आपको कोई परेशानी तो नहीं अभी तक संभालने में इसको? अच्छा जी, आपके ओ ये गुड़िया है आपकी, और ये आपको कोई लगा कोई कभी डर इससे? बिल्कुल नहीं। नुकसान नहीं करते, लेकिन एकदम से ऐसे बौंकेंगे कि बंदे को ये ऐसे निकलेंगे कि खा जाएंगे। अभी आपको डर तो नहीं लगता इससे? नहीं लगता। ओके गाइस, ये साइज बड़ा मैटर नहीं करता, डॉग का स्वभाव और उसको फिजिकल एक्सरसाइज आप दो तो बड़े डॉग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये नन्ही सी परी कर रही है। गाइस ये है गद्दी और ये है बकरवाल, क्योंकि आप कंफ्यूज अक्सर हो जाते हो कि बकरवाल कौन सा होता है और गद्दी कौन सा होता है। आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे सकता हूँ फोटो से, बाकी आपको ये सिंह साहब बताएंगे। सर इन दोनों ब्रीडों में क्या डिफरेंस है? सर एक तो देखिए इनका खाने का स्टाइल देखिए, मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, स्टाइल देखिए इसका बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, खाने का स्टाइल देखिए बिल्कुल। यहाँ से ये रिप्रेजेंट होता है, ये ब्रीड है एथलीट टाइप ज्यादा है, तो रीजन सेम, दोनों गार्ड डॉग ब्रीड है, दोनों पहाड़ी ब्रीड है और लॉन्ग हेयर ब्रीड है, और इनका एक क्या होता है थोड़ा लीन बॉडी होते हैं, शार्पनेस बहुत होती है, अग्रेसिव ज्यादा होती है, जेड ब्लैक कलर होगा इनका, वाइट मार्किंग हो छोटी मोटी, और सबसे बड़ा इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, अब स्टाइल देखिए चारों पैर एक लाइन में होंगे, ठीक है जी, इसकी जो अपनी नेक होगी हाइट में रहेगी सीधी ऐसे, ठीक है जी, जो इसका मेल होगा बकरवाल का आगे से ब्रॉड पीछे से नीचे, यानी कि ये होते हैं सिमिलर टू गद्दी, लेकिन जिसे हिमालयन शीप डॉग बोला जाता है, उससे थोड़ा सा ये लीन बॉडी होते हैं, ज़्यादा एक्टिव एथलीट, और इनका एक बेनिफिट हो रहा है हिमालयन शीप डॉग से ज़्यादा कि ये कम एरिया में भी सर्वाइव कर जाते हैं, कम एरिया में भी रह जाते हैं, कारण क्या है ये लाइट वेट होते हैं, इनको कोई टाइल पे इनकी टांगें टेढ़ी नहीं होती, कोई छोटे एरिया कोई इशू नहीं आता, तीसरी बात कोई इनकी केयर ज़्यादा नहीं होती, जो होता है हिमालयन शीप डॉग उसकी केयर ज़्यादा होती है। ओके, सिंह साहब ये बताइए ये हमेशा ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन में ही आते हैं? ब्लैक वाइट वैसे हमारे पास हैं, ग्रे कॉम्बिनेशन में भी हैं, बहुत रेयर दो चार बच्चे आते हैं, टैन ब्लैक भी आ जाता है एक आधा बीच में, जो बेसिक कलर इनका होता है ब्लैक में इनकी लुक होती है, इनकी ना आँखें येलो डार्क रेड होती हैं और कलर ब्लैक होता है हमेशा, और ऊपर से सर इनका ये होता है कि इनका जो हेयर है ना ऐसा हेयर रहता है कि हाथ मारो मिट्टी उतर गया, इतना क्लीन हेयर रहता है, दूसरी बात कभी ये गंदे नहीं जल्दी होते, तीसरी बात इनका जो होता है डाइट बहुत कम डाइट लेते हैं सर, मतलब इनका स्वभाव में बारे में थोड़ा बताइए। स्वभाव सर इनका ऐसा होता है कि ये फैमिली के साथ तो फुल फ्रेंडली, और स्ट्रेंजर के लिए ये ऐसा अटैक करते हैं, अटैक नहीं करते मतलब नुकसान नहीं करते, लेकिन एकदम से ऐसे बौंकेंगे कि बंदे को ये ऐसे निकलेंगे कि खा जाएंगे अभी, लेकिन जब लोड पड़ेगी इनको अटैक भी करते हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंसी की ब्रीड होती है, समझदार है, अटैक करने की जरूरत है या वैसे ही डरा दिया तो वो। बच्चों और बुजुर्गों के साथ सर घर के लिए तो बिल्कुल ही फुल्ली फ्रेंडली, चाहे इनके ऊपर हमारा छोटा सा 2 साल का बेटा है इनके साथ कोम करने लग जाता है, खेलने लग जाता है, बैठ जाता है, मतलब कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन गार्ड के टाइम पे जब इनको गार्ड करना है तो ऐसा फील कराएंगे कि सामने वाले को खा जाएंगे जी, बहुत एक्टिव टाइप की ब्रीड है जी। अगर आपका बड़ा घर है और आप अच्छा गार्ड डॉग चाहते हो तो इस सर के साथ कांटेक्ट कीजिए, फिर दोबारा नंबर बता दीजिए सर। सर 9465835623। लोकेशन सर समाणा है लोकेशन हमारी, बाकी हमारा जो पेज है बकरवाल डॉग चैनल उस पर हमारा बहुत सारा डाटा डाइट 300 फोटो पूरा अपडेट मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है गाइस, इनका चैनल को फॉलो कीजिए, इनका पेज फॉलो कीजिए और कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सर। वेलकम सर। गाइस ये ब्रीड है, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा बकरवाल गद्दी डॉग शेफ डॉग और अलग अलग ऐसी ब्रीड दिखने में, तो आज सर से आपको थोड़ा सा हेल्प करते हैं कि ये कौन सी ब्रीड है। हाँ जी, सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल जी। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी राजीव कौशल जी। राजीव कौशल। कौशल सर ये कौन सी ब्रीड है आपके पास? इनू बेसिकली कहते हैं हिमालयन शीप डॉग। हिमालयन शीप, पंजाबी च इनू यूजुअली गद्दी डॉग भी कहते हैं। ओके गाइस, हिमालयन शीप डॉग और गद्दी डॉग एक ही होते हैं। ठीक है, और बताइए ये इसका स्वभाव कैसा है, रख रखाव में कोई दिक्कत? बहुत ही अच्छी फ्रेंडली ब्रीड है, रफ एंड टफ ब्रीड है, छोटे बच्चे अपने घर च भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं, रात को मतलब फुल गार्ड डॉग ने। ओके, फैमिली च रहने हैं जी। हाँ जी, तो डिपेंड करता है डाइट तुसी किदां दी देनी है, वेजिटेरियन भी रख सकते हो, नॉन वेज भी रख सकते हो। और छोटे घर में वैसे नहीं रखा जाता? नहीं, छोटे घर च नहीं रखना। ओके, और इसमें इस समय इस मेल या फीमेल का क्या प्राइस चल रहा है आजकल सर? मेल 25,000 दा जी स्टार्टिंग। हाँ जी, फीमेल है जी 20,000।
और आपके पास बच्चे अवेलेबल होते हैं? हाँ जी, बच्चे स्टड सर्विस भी है जी। ओके, आप थोड़ा पहले नंबर बताइए अपना सर। हाँ जी, मेरा नंबर है जी 8360309575। थोड़ा सिंह साहब ये बताइए कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है, अब अगर मैं आपको इसी के में बकरवाल या कोई और ब्रीड के बारे में क्या डिफरेंस थोड़ा आइडिया दे सकते हो? हाँ जी, बकरवाल ब्रीड है थोड़ी इस तो मतलब साइज च लाइट होंगी है जी, ते वो थोड़ी अग्रेसिव बद है जी बकरवाल ब्रीड। ओके, अच्छा, बकरवाल थोड़े गुस्से वाले होते हैं? हाँ जी, थोड़े गुस्से वाले है जी। हाँ जी, ओके। हाँ जी, और कोई इसका इस ब्रीड रखने का बेनिफिट जो आपको लगे? जैसे बहुत लोगों को हिमालयन हस्की रख, हिमालयन इस ब्रीड का बेनिफिट यही है जी, एक तो इन्हें कोई बीमारी नहीं लगती जी जल्दी। okay. जल्दी जिवें शेफर्ड दी केयर बहुत है इन्हां दी, ज़्यादा केयर नहीं करनी पैंदी। गर्मियों में भी नहीं ज़्यादा? नहीं जी, गर्मियों चाहता ये अपने आप कोट मतलब छड़ दिंदे जी, इन्हां दी ग्रूमिंग कॉम फेरी जाओ बाल अपने आप निकल जाते हैं। और जो हिमालयन हमारे गद्दी लोग कहते हैं डॉग, हाँ जी, वो भी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि इस गद्दी और हिमालयन गद्दी में क्या फर्क होता है? डिपेंड करता जी गद्दी, हुण तुसीं किद्दां दी डाइट ते कोई डॉग तैयार करदे हो, कोई ज़्यादा डाइट ते तैयार हो जाता तगड़ा हो जाता जी, कोई घट डाइट ते हुंदा जी, कोई वो वर्किंग डॉग कर लेंदे ने जी ज़्यादा, वो वर्किंग ज़्यादा तगड़े नहीं जाते क्योंकि उन्हां दी भज नठ ज़्यादा रहिंदी है। बिल्कुल, हाँ जी, ये दोनों मेरे डॉग ने जी, केसीए रजिस्टर्ड ने जी। ओके जी, कैनल क्लब ऑफ इंडिया तो पेपर बने हुए ने, लास्ट ईयर डॉन नू जी अपना बेस्ट ऑफ ब्रीड का अवार्ड भी मिलिया सीगा जी, पंचकूला। सर कौन से शो में? पंचकूला, पंचकूला कैनल क्लब ऑफ इंडिया दा सी लास्ट ईयर। ओके, हाँ जी गाइस, ये है इंडियन ब्रीड, और आप अगर चाहिए आपको मेल फीमेल तो आप सर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी। ओके ओके जी, सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल सर, की हाल चाल है जी? बस सब ठीक ठाक। गुड़िया जी आ जाओ, आगे प्लीज। सर पहले बताइए कौन सी ब्रीड है ये? सर हिमालयन शिफ्ट डॉग है जी, है शिफ्ट डॉग, हिमालयन शिफ्ट डॉग 10 मंथ का पापा जी, जस्ट हिमालयन शिफ्ट डॉग। यस सर, 10 मंथ का पापा जी, ते अपनी ब्रीडिंग का बच्चा जी है, इस टाइम पटियाले सनौर दिता हुआ भाई साहब नू, इन्हां दे ओनर ने जी है, ते अपनी होम ब्रीडिंग का बच्चा जी है। ओके, कितना है मुश्किल है इसको संभालना? सर संभालना मुश्किल इदा जी, जिदा शरीर आ उन्नी इन्हें ताकत है जी, पर उन्नी इन्हें इंटैलीजेंस भी है, बहुत इंटैलीजेंट ने, घरदियां लई बहुत फ्रेंडली ने, पर एक साथ ही जॉइंट ब्रीड है जी, तो जॉइंट जिड्डा बड़ा शरीर है जी, जो च ताकत शो करूगा ता ही उहदा फायदा जी। बिल्कुल, मतलब एड्डा वड्डा डॉग जे सुस्त होवे ठंडा होवे तो आपां तां कोई फील नहीं आना, ये शीप डॉग है, इहदा मतलब ये फार्मिंग वास्ते है, वड्डे फार्म हाउस के रखने वाली ब्रीड है जी, ये भी आप इन्हें खुला रखिए तो गार्ड के परपज़ से इन्होंने वरत सकते हैं। इहदा फादर रिंग के लास्ट ईयर चैंपियन रहा होया जी, तो अपना प्रोपर कैनल आ जी समाणे बखरवाल डॉग कैनल, तो उहदा यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम से पूरा लिंक हैगा जी, बखरवाल डॉग मिल जाते हैं अपने को, हिमालयन शीप डॉग जैड ब्लैक, टैन ब्लैक, क्रीम ब्राउन सारे रंगों अवेलेबल ने जी, तो ये तो अलावा जो अपने को डॉग ने सारे थोड़ा शो क्वालिटी, तो बड़े कोट के बड़ी हाइट के हर टाइप के डॉग मिल जाते हैं। सिंह साहब इनके जो कोटों को हाँ जी उनके पास चल रहा है, गर्मियों में संभालना इनके बालों को, इनके कोट को कितना मुश्किल है? सर मुश्किल इनका ऐसा होता है थोड़ा सा, अगर बंदे को थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत होती है, एक्चुअली ये जो ब्रीड है ना ये इंडियन ब्रीड है, ये अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट अपने आप को खुद चेंज करती है, जैसे अप्रैल आ गया थोड़े बहुत ये बाल खुद शेड कर देंगे, काफ़ी हद तक शेड कर देंगे, जब मौसम बिल्कुल परफेक्ट हो गया ठंडा हो गया ऑटोमेटिकली बाल आ जाएंगे। हाँ अगर किसी बंदे को थोड़ा ज़्यादा परेशानी आ रही है बाल ट्रिम भी करवा सकता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ये अपने आप को चेंज करते हैं। दूसरी बात, कोई एसी वगैरह की इनको जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली कूलर पंखे में इनका अच्छा काम चलता है जी। ठीक है जी। हाँ जी, बाकी अपना मेंटेनेंस जब बंदे पे मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है कि अगर किस टाइप की वो डाइट दे रहा है, थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है जी इसके लिए। और इसका बॉडी वेट मैक्सिमम कितना जा सकता है? मैक्सिमम सर देखिए जाने का ये होता कि इस टाइम ये 55 kg का है जी, 32 इंच इसकी हाइट है जी। okay. इसका बॉडी वेट जो होता है सर, एक्चुअली तो मेरे अकॉर्डिंग अगर शो क्वालिटी टाइप का डॉग करना चाह रहे हो 60 kg रखे मैक्सिमम, प्लस चले जाता है पर फायदा नहीं होता उसका, ओवरवेट का, क्योंकि ये वर्किंग लाइन है, वर्किंग लाइन का ओवरवेट का कोई बेनिफिट नहीं होता, जॉइंट्स में प्रॉब्लम जी जी जी, ये वर्किंग लाइन है, थ्री टाइप की चाहिए, लीन बॉडी की चाहिए, ऊपर से जैसे सर गद्दी का थोड़ा सा चल रहा है लोग बोल रहे 34 इंच 35 इंच, कुछ नहीं होता, मैक्सिमम गद्दी होता है 33 इंच के होते हैं, 32 इंच का हो चुका है सर, और 10 मंथ का है, मतलब हरेक जो डॉग रखते हैं उनको पता ही होता है कि 10 मंथ के बाद भी डॉग इम्प्रूव करेगा, बिल्कुल आधा एक इंच तो करेगा ही करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक 33 इंच मैक्सिमम हाइट और 60 kg वेट अगर गद्दी है आपका तो ए क्लास गद्दी है, स्टैंडर्ड साइज समझ लो इसको। हाँ बिल्कुल, टॉप 30 से 33 इंच पूरा टॉप गद्दी होता है हमेशा, और वेट इसका सर 40 से लेकर 60 kg टॉप वेट है, उसके ऊपर का जो वेट है ओवर वेट है। सिंह साहब कोई कांटेक्ट नंबर? जी सर, वैसे तो हमारा पेज भी है बखरवाल डॉग कैनल से है, कहीं भी आप सर्च करो मिलेगा जी, और नंबर हमारा है जी
6583-5623। ओके, आपको कोई परेशानी तो नहीं अभी तक संभालने में इसको? अच्छा जी, आपके ये गुड़िया है आपकी, और ये आपको कोई लगा कोई कभी डर इससे? बिल्कुल नहीं, आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन जब आप वॉक पर लेकर जा सकते, पुलिंग करता होगा ज्यादा? जाइंट ब्रीड है सर, थोड़ा ना इनका जो एरिया है, शहर का एरिया है, मतलब हाँ। इस ब्रीड का ये है कि इनमें एनर्जी बहुत होती है, इनकी एनर्जी ना, जैसे कि इनको वॉक चाहिए थोड़ी लंबी, जहाँ एरिया खुला हो कि खुले में करें। वैसे ये होता है कि थोड़ा देखिए जोर तो दिखाए गए, जो भी है जाइंट है, अगर उसी हिसाब से अपना जोर दिखाना भी चाहिए। अगर वो इतनी बड़ी ब्रीड और सुस्ती से धागे से चल रही है, कोई बेनिफिट ना हो फिर दिखावा हुआ। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, इस ब्रीड का ऐसा बिहेवियर होना चाहिए कि जिस ब्रीड का ना लिया उसका जो करेक्टर है वो शो करने चाहिए। वो आपके माइंड में पिक्चर होती है ना, वो समझ आनी चाहिए। जी जी जी, मान लीजिए किसी ने शीपडॉग के बारे में सोचा, जैसे मेरे पास बकरवाल है, उनके बारे में सोचा, उसके बारे में बंदा जो करेक्टर पड़ेगा, अगर उस डॉग में वो करेक्टर नहीं है फिर वो डॉग सही नहीं है। करेक्टर होना जरूरी है, क्योंकि ये है गार्ड डॉग। अगर ये सुस्त होंगे, ताकत नहीं दिखाएंगे, क्या गार्ड करेंगे। इनका ये होता है किसी का बड़ा फार्म हाउस है, अगला खुला छेड़ेगा, रोग छोड़ेगा, वहाँ पे केयर गार्ड करेगा तो फील कराएगा कि हाँ हमने घर में कोई शेर जैसा डॉग रखा हुआ है। अगर वो जैसे बिल्ली जैसे लुक कर बैठा रहा, क्या फायदा फिर इतने बड़ेगा, क्या फायदा इतनी खराब का। अच्छा गुड़िया जी, क्या नाम है आपका? क्या आपको डर तो नहीं लगता इससे? नहीं लगता। ओके गाइस, ये साइज बड़ा मैटर नहीं करता, डॉग का स्वभाव और उसको फिजिकल एक्सरसाइज आप दो तो बड़े डॉग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये नन्ही सी परी कर रही है। थैंक यू वेरी मच जी, वेलकम जी।